हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं गीता स्वागत करती हूँ आपका अपने इस नए वीडियो में। सो फ्रेंड्स, सॉरी सबसे पहले आप सभी को, क्योंकि मैंने बोला था मैं डेली वीडियो लाऊंगी, बट पिछले दो दिन से वीडियोस नहीं आ रही थी क्योंकि मेरे हस्बैंड आ गए थे, तो फिर स्कूल भी था, इसलिए दोनों मैनेज नहीं हो पाया एक साथ। कि कितने दिनों बाद हस्बैंड घर पे आए हुए थे, तो थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना तो बनता है उनके साथ। एंड आज मेरा फुल डे रूटीन रहेगा उनके साथ कि हम लोगों ने क्या क्या किया। और मैंने अपने हस्बैंड को पहली बार अपनी सैलरी से शॉपिंग भी कराई, तो वो भी आगे आपको मिलेगा। एंड आगे आपके कुछ कमेंट भी लेंगे, तो एंड थोड़ी सी पढ़ाई कर लेते हैं। तो चलिए आपका कमेंट ले लेते हैं। सबसे पहले पहला कमेंट आया है लव इंडिया का, तो ये कहते हैं बिहार स्पेशल के लिए करंट अफेयर और जीएस कहाँ से पढ़े। तो डियर, मैं बताऊँ तो ये जो बिहार जीएस और करंट अफेयर आता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आता, दो तीन क्वेश्चन आता है जीएस का, और करंट अफेयर भी बहुत ही कम होता है, दो तीन क्वेश्चन। तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप उस पर फोकस करिए जो जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन उठाता है। तो अगर आप जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन उठाते हैं वहाँ पे अगर आप ज़्यादा मेहनत करेंगे तो आपका सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। एंड सेकंड कमेंट है छोटी सिंह का, ये बोलती हैं दी बीपीएससी पीआरटी 33 के लिए लूसेंट बुक का सारा जीके जीएस कवर हो जाएगा, प्लीज़ बताइए। तो डियर, कोई भी एक बुक किसी भी एग्ज़ाम के लिए इनफ नहीं होती है। आप जो लूसेंट पढ़ लीजिए, और मुझे कम टाइम मिलता है इसलिए मैं लूसेंट को प्रेफर करती हूँ। और अगर आपके पास टाइम है तो आप और भी बुक पढ़ सकते हो जो आपके पास हो। नेक्स्ट कमेंट है रंजना कुमारी का, सीटेट आपका क्लियर कैसे हुआ, प्लीज़ हेल्प मी, कोर्स लो या खुद से करो। तो डियर, सीटेट कैसे क्लियर हुआ इस पर मैं दो वीडियोज़ डाल चुकी हूँ, तो आप मेरे प्ले स्टोर में जाके देख सकते हो वीडियोज़। एंड मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगी। नेक्स्ट कमेंट लेते हैं, यूज़र CP8RD9RC4N, इनका कमेंट है मैम आपने जीएस के लिए कहाँ से प्रिपरेशन कर रही हो फॉर बीपीएससी पीआरटी, मैथ्स रीजनिंग कहाँ से प्रिपेयर किया था आपने। तो मैथ्स और रीजनिंग मेरा बीएससी मैंने किया हुआ है, तो बैकग्राउंड मेरा ठीक ठाक है मैथ्स और रीजनिंग का। और जीके जीएस के लिए मेरा, मैं एक पीसीएस एस्पिरेंट हूँ, तो जीके जीएस मैं हमेशा से ब्रॉड ऐसे, मतलब बहुत डीप में पढ़ती चली आ रही हूँ, तो वहाँ से मेरा कवर हो गया था। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको जो बुक वगैरह है वो सब आपको एसएससी लेवल का या फिर पीसीएस लेवल का ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वही सारी किताबें होती हैं जो हमें सिलेक्शन तक ले जाती हैं। और वो कहते हैं ना, अगर आपको पेड़ पे चढ़ना है तो आपको आसमान तक जाने के लिए सोचना पड़ेगा। जब आप आसमान पर जाने के लिए सोचोगे तो पेड़ तक तो ज़रूर ही पहुँच जाओगे। तो वही कहानी मेरी भी है, मैं आईएएस का प्रिपरेशन करना चाहती थी बट मैंने पीसीएस का प्रिपरेशन किया, और अभी मैं एक टीचर हूँ बट मेरा मेन फोकस पीसीएस पे ही रहता है, तो अभी भी मैं उसकी प्रिपरेशन करती रहती हूँ। नेक्स्ट कमेंट लेते हैं सुरेंद्र वर्मा का, आपके 40 वाले में कितने नंबर बन रहे थे, एग्ज़ाम नहीं दी थी तभी पूछ रही हूँ। तो डियर, 40 वाले में तो मैंने कुछ अभी मैच ही नहीं किया, मैंने बोला था मैच करके बताऊँगी मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो नेक्स्ट कमेंट ले लेते हैं, कमेंट है राइट टू लेफ्ट लिखती हैं आप, प्रिया यादव बोल रही हैं। तो डियर, वो कैमरा जो है मोबाइल का, मैं फ्रंट कैमरे से वीडियोस बनाती हूँ, इसलिए लगता है कि मैं राइट टू लेफ्ट लिख रही हूँ, बट मैं लेफ्ट टू राइट ही लिखती हूँ, वो कैमरे का है जो चेंज नहीं करता है। वैसे जिस फ़ोन से मैं पढ़ती हूँ उसमें है बनाती हूँ अगर मैं वीडियोस, तो उसमें सही दिखाता है, बट अभी जो मैं ये वाला है जिससे मैं वीडियो एडिट करती हूँ तो इसमें है, तो इसमें नहीं दिखाता है। तो निशा यादव का कमेंट है, कौन से ऐप से मॉक टेस्ट दे रही हैं सिस। तो ऐप कोई नहीं है, मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ से जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, और उस पर मैंने बहुत सारी बुक वगैरह और सब कुछ भेज रखा है, प्रैक्टिस सेट भी भेज रखा है। निशा यादव का ही कमेंट है, 1-5 के लिए कोई टिप्स दिए, कौन सा ऐप से मॉक टेस्ट दे रही हैं प्लीज़, सुबह में नींद नहीं खुलता है। तो डियर, सुबह में नींद तो मेरी भी नहीं खुलती, इसके लिए मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बट
वो होता है ना, अगर आपके अंदर जुनून है तो आपको वो ज़रूर मिल जाएगा। एंड अभी मेरा क्या है, मेरा थोड़ा सिलेक्शन हो गया है तो उतना प्रेशर नहीं है, इस वजह से नहीं उठता। नहीं तो मैं पहले सुबह उठ जाती थी, अगर मैं सुबह नहीं उठती थी तो रात में मैं लेट तक बहुत पढ़ाई करती थी। तो मेरा तो यही था कि मैं लेट तक पढ़ाई कर सकती हूँ बट सुबह उठ के मैं नहीं पढ़ सकती। तो आपका जिस तरह से आप रूटीन हो आप उस तरह से कर सकते हो। नेक्स्ट कमेंट है सीरियल फैन का, ये बोलती हैं आपके पति कहाँ हैं, आपके हस्बैंड यूपी में हैं, आप बिहार में हैं, इससे अच्छा आप यूपी में रहकर आरओ की तैयारी करिए, हस्बैंड के साथ रहिए, इससे रिश्ता ख़राब हो जाता है। तो डियर अभी आप सही करें, मेरे हस्बैंड यूपी पुलिस में हैं और मेरा भी सिलेक्शन हो गया है बिहार में, शिक्षक टीचर हूँ मैं। तो कुछ पाने के लिए कुछ ना कुछ तो खोना ही पड़ता है, तो इतना तो स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा। एंड मैं कोशिश करूँगी कुछ टाइम बाद अपना जो पोस्टिंग है वो यूपी के सटे हुए किसी ज़िले में करा लूँगी, बिहार के ही। हाय गाइस, नमस्कार, और बताइए आप सब कैसे हैं। आज हम सब जा रहे हैं, मार्केट है, यहीं जा रहा हूँ, थोड़ा मार्केट में कुछ कार है, सामान वान किचन का लिया जाएगा, उसके बाद जो है कुछ नाश्ता वगैरह किया जाएगा, बढ़िया चीज। आज काफ़ी दिन के बाद हमारी ये धर्म पत्नी मिली है, तो आज इनको कुछ खिला पिला दिया जाए। कितने दिनों बाद आए हैं ये, बहुत दिनों बाद, और बस दो दिन के लिए। हाँ गाइस, क्या करें, ऐसे ऐसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं कि आना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो फिर अब चला जाए मार्केट, फिर वहाँ से भी कुछ आपके लिए देखा जाएगा। ठीक है, चलिए आपको वीडियो में दिखाएंगे आगे हम लोग क्या क्या लेते हैं आज। इनका यहाँ पर आने का और मार्केट जाने का मेन रीज़न यही था कि गर्मियाँ आ रही हैं और रूम में बहुत गर्मी होती है, तो एसी या कूलर लेना था। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि एसी ही लगवाते हैं, क्योंकि कूलर है बहुत आवाज़ भी करता है। तो एसी हमने देखी है और एक दो दिन में लग भी जाएगा, तो आपको अपने रूम में दिखाऊंगी कि कैसा लग रहा है। एंड ये है मार्केट, बहुत बड़ा मार्केट तो नहीं है जहाँ पर मैं रहती हूँ, छोटा सा मार्केट है, लेकिन सारी चीज़ें मिलती हुई हैं। और ये हनुमान जी का मंदिर है। एंड हम लोग अभी जा रहे हैं कुछ सामान लेने, सब्जी वगैरह किचन का। एंड यहाँ पे पानी पूरी वाला था तो हम दोनों ने पानी पूरी भी खाई। एंड इसके बाद हम लोगों ने शॉपिंग करी, एक्चुअली मॉल में गई थी, मुझे कपड़े लेने थे बट इनको पसंद आ गए तो मैंने इनको दिला दिए। और इन्होंने मेरा कोई वीडियोस नहीं बनाया, इसलिए इनके कपड़े क्या क्या ये इन्होंने लिया मैं वो दिखा नहीं सकती। और अगर ये किसी दिन पहनकर पिक्स मुझे भेजेंगे तो मैं आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ की पानीपुरी बहुत ही अच्छी है, तो जो लोग इस मार्केट में रहते हैं, कुछ लोग मेरे फ्रेंड्स हैं वो जानते हैं, तो वो लोग यहाँ पर आके खा सकते हैं। ये SBI बैंक है, उसके पास यहाँ का पानीपुरी है। एंड हम लोग वापस आ ही रहे थे कि देखा एक भैया थे, वो चक्की पर पीस कर चना बेसन और सत्तू दे रहे थे, तो हम लोगों ने सोचा थोड़ा सत्तू ले लेते हैं, तो इनसे आधा किलो सत्तू बनवाया और उसके बाद वापस घर आ गए। तो एसी रूम में लग जाएगा तो आपको ज़रूर करूँगी। एंड अभी मेरे हस्बैंड जा चुके हैं और आगे जो पढ़ाई होगी आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, जो कुछ भी होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और कोई भी कमेंट हो तो ज़रूर पूछिएगा हमसे, हम आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। एंड मेरी जो पढ़ाई है वो अब फिर से मैं कंटिन्यू करूँगी, बस दो दिन का ब्रेक लग गया था, क्योंकि अगर फैमिली साथ में आ जाती है तो आपको थोड़ा सा टाइम स्पेंड उनके साथ करना चाहिए। एंड इतने दिनों बाद कोई मेरे पास आया था, ये इसके लिए मुझे बहुत खुशी हो रही थी, क्योंकि ऐसे तो मैं डेली अकेली ही रहती हूँ, तो कोई पास में आता है तो अच्छा ही लगता है। और आपको भी वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। एंड मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय गाइस।